नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस की क्लासेज में। आज हम बात करेंगे दर्शन की, क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में प्राचीन धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि और उसके उद्भव के कारण पढ़ चुके हैं, और हम साथ में यह भी देख चुके हैं कि उसके परिणाम क्या हुए और विश्व के किन क्षेत्रों में अन्य जो है दार्शनिकों की उत्पत्ति हुई। ऐसा भारत में भी हो रहा था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब भारत में हो रहा था तो भारत में दो नास्तिक दर्शनों की उत्पत्ति हुई, और जो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन के नाम से जाने गए आज हम लोग, क्यों? क्योंकि वे धार्मिक आंदोलन का एक हिस्सा थे, लेकिन अभी भी पुरातन व्यवस्था चल रही थी। पुरातन व्यवस्था क्या? जो वेदों पर आधारित थी, जो उत्तर वैदिक काल में जटिल व्यवस्था पर आधारित थी। तो अब क्या हुआ कि मतों का विभाजन हो गया, और जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक संप्रदायों के आधार पर मतों का विभाजन हो गया, तो कई मत सामने निकल कर आए, जिनमें से हम लोग पढ़ेंगे दर्शन। और दर्शन की एक सीरीज होगी, ये थोड़ी लंबी सीरीज होगी, और आज हम देखेंगे कि दर्शन क्या है और दर्शन के भारत में कैसे कैसे स्वरूप हैं और कौन कौन से भारत में दर्शन हैं। तो हम लोग जो है दर्शन देखते हैं कि दर्शन क्या है। दर्शन वास्तव में देखा जाए तो जो है तर्क, चिंतन, बौद्धिकता पर आधारित होता है। किसी चीज को देखकर ऐसे ही महसूस ना कर लेना, जबकि ऐसे ही महसूस नहीं कर लेना और उस पर चिंतन करना, उस पर सोचना, उस पर बौद्धिकता लाना या फिर उस पर तर्क करना क्या कहलाएगा? दर्शन कहलाएगा। अगर हम दूसरी बात देखें तो वास्तव में ज्ञान और सत्य की खोज भी एक दर्शन ही कहलाता है, लेकिन उसकी वास्तविकता, अगर हम ज्ञान की वास्तविकता को समझेंगे तो हमें दर्शन का आभास होगा, या सत्य की वास्तविकता को हम समझेंगे तो दर्शन का आभास होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर हम लोग जो है ईश्वर को मानते हैं और उसके सत्य को जानते हैं तो वही उसकी वास्तविकता है। या फिर हम दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि हमारा शरीर है और शरीर के पास दो आंखें हैं तो ये वास्तविक है, लेकिन जहाँ अवास्तविक होगा वहाँ पर जो है दर्शन का अभाव होगा। दर्शन जो है ज्ञान सत्य की वास्तविकता को दर्शाता है, और वहीं पर कहता है कि भाई तर्क होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, उसमें बौद्धिकता होनी चाहिए, उसके बगैर जो है दर्शन काम ही नहीं करेगा। वास्तव में दर्शन किसी चीज को जानने की क्या एक प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति क्या कर पाता है, जान पाता है। लेकिन एक बात और है इसमें कि भाई भारतीय जो प्राचीन दर्शन है वो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। तो भारत में आत्मा का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, कि यह माना जाता है कि आत्मा अमर होती है, और जबकि शरीर क्या होता है, शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। ये भारतीय दर्शन की परंपरा है, लेकिन यूनानी दर्शन की परंपरा से भिन्न है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी ईश्वर में मान्यता तो थी, लेकिन वहाँ तर्क, चिंतन और बुद्धि का भी प्रयोग किया गया। तो आध्यात्मवाद क्या कहता है? कहता है आध्यात्मवाद कि भाई आत्मा ही सर्वे सर्वा है, जो ईश्वर का ही एक रूप है, और जबकि जो शरीर है वो कैसा है, वो विनाशी है, उसका विनाश हो जाएगा। इसके हम लोग देखें तो दर्शन के माध्यम से हम क्या क्या करते हैं, तो दर्शन के माध्यम से क्या क्या किया जा सकता है। तो लोक कल्याणकारी नीतियां बनाई जाती हैं, मानव की भलाई हो सकती है, व्यक्ति स्वविवेकी हो सकता है, और जो है और वह आत्मनिर्भर हो सकता है, वह धैर्य को धारण कर सकता है, वह बुद्धिशील व्यक्ति हो सकता है, वह राज्य और जो है उसकी परंपराओं में तर्क और वितर्क कर सकता है। तो दर्शन क्या है? वास्तविक जो वस्तु है उसकी पहचान करना ही एक तरीके से जो है दर्शन कहलाता है। अगर हम लोग इसके भारतीय दर्शनों की बात करें, जो भारतीय दर्शन है वो दो प्रकार के हैं।
भारतीय दर्शन दो प्रकार के हैं। कैसे दो प्रकार के हैं? एक आस्तिक हैं जो पूरी तरीके से ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर प्रधान है, हर काम में जो धर्म है, धर्म की उत्पत्ति जो है वह मानते हैं कि ईश्वर ने की है। जैसे उदाहरण के तौर पर सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन है, और जो है मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये जो दर्शन है ये दर्शन ईश्वरवादी हैं, ईश्वर के विचारों या ईश्वर को मानते हैं। और हम इसके अलावा तीन और दर्शन हैं, जैसे जिनमें जैन दर्शन जो ईश्वर को मान्यता नहीं देता, बौद्ध दर्शन ईश्वर को मान्यता नहीं देता, और चवार्क दर्शन जो पूरी तरीके से भौतिकता पर या भौतिकवाद पर आधारित है और वह भौतिकता को ही प्राथमिकता देता है। इन सब के लिए हम लोग देखें तो जो है यहाँ पर दो तरीके के दर्शन हैं, एक दर्शन नास्तिक और दूसरे दर्शन क्या है? आस्तिक। तो हम लोग जो है आस्तिक दर्शन में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन इनको पढ़ेंगे। और हम इनको एक आस्तिक दर्शन के अंतर्गत क्या चीजें रखी गई हैं, जैसे सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन और योग दर्शन, न्याय दर्शन और वेदांत दर्शन। इनका जो मुख्य आधार है वो वेदों की प्रमाणिकता है, और जब वेदों की प्रमाणिकता है तो इनकी कुल संख्या जो है 6 है। ये वेदों पर आधारित है और वेदों पर आधारित है तो ईश्वरीय आस्था को ये जो है प्रधानता देते हैं। इसके अलावा क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों को देव के रूप में माना है, कि ये विभिन्न प्रकृति के जो विभिन्न रूप हैं वो देव रूप में मानते हैं। अर्थात प्रकृति के कई रूप हो सकते हैं, जैसे जल देवता, पृथ्वी देवता है ना, पृथ्वी देवी, तो विभिन्न रूप हो सकते हैं। तो इनका जो पूरा का पूरा आधार है वो वेदों पर आधारित है, जिनमें से हम लोग एक दर्शन की बात कर रहे हैं और वह दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है और इसके जो प्रतिपादक थे वो कपिल मुनि थे। कपिल मुनि ने अपना जो आधार सूत्र बनाया वो सांख्य सूत्र को बनाया, जिसके आधार पर इस दर्शन का विचार दिया। इस दर्शन में क्या बातें कही गई हैं? तो दर्शन की कुछ मुख्य बातें हैं। तो दर्शन में कहा गया है कि भाई इनकी जो संख्या है, यानी प्रकृति में जो मूल तत्व हैं उनकी जो संख्या है वो 25 है। और यह दर्शन कहता है कि भाई प्रकृति और पुरुष दो जो तत्व हैं वो परम सत्ता को हासिल किए हुए हैं और उनमें कुछ ना कुछ संबंध अवश्य है। दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। दोनों में एक दूसरे में कोई ना कोई क्या है, इनमें संबंध जरूर है। और संबंध कैसे कैसे है? तो संबंध गुणों के आधार पर है कि सत का गुण पाया जाता है, रज का गुण पाया जाता है, तम का गुण पाया जाता है, और तीनों ही गुण जो है व्यक्ति में भी पाए जाते हैं। और व्यक्ति में जब पाए जाते हैं तो सत से जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को हल्का महसूस कर सकता है, हल्कापन महसूस कर सकता है, जबकि जो रज होता है, और रज किसी मनुष्य को गति प्रदान करता है, और जो तम होता है वह जो है मोह और आलस्य पैदा करता है। ये गुण मनुष्य के साथ साथ प्रकृति में पाए जाते हैं, कि प्रकृति कभी अपना हल्कापन दिखाती है तो कभी भारीपन दिखाती है। रज में हम देखें तो पृथ्वी भी जो प्रकृति है वो भी गतिशील है, उसका भी सहज स्वरूप बदलता रहता है, और तम
और जो प्रकृति है वह भी क्या पैदा कर रही है मनुष्यों में, मोह और आलस्य, पेड़ पौधे वृक्ष पर्वत पहाड़ ये भी पैदा कर रही है मोह। अगर हम देखें तो वास्तव में देखा जाए तो सांख्य दर्शन यह मानता है कि भाई जगत का जो विकास है वो प्रकृति के सहज स्वरूप के अनुसार हुआ है, यानी कि जो जगत का जो विकास धीरे धीरे जो है हुआ है और ऐसे ही आगे होता रहेगा। तो हम लोगों ने आज सांख्य दर्शन देखा है और सांख्य दर्शन के बाद हम लोग जो है योग दर्शन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग न्याय मीमांसा वैशेषिक और वेदांत दर्शन को देखेंगे। इन दर्शनों को हम लोग फिनिश करने के बाद जो है बौद्ध दर्शन और जैन दर्शनों पर आ जाएंगे। ध्यान रखना कि ये जो दर्शन है ये आस्तिक दर्शन है और इसमें से भी एक पॉइंट आप और ध्यान रखना कि जो है यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन स्रोत है और भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है, इसी दर्शन के आधार पर ही और अन्य दर्शनों का विकास हुआ है ऐसा माना जा सकता है। लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इनके तत्वों की संख्या 25 है और हम लोग जब अगली क्लास में देखेंगे तो हम लोग इस दर्शन की बात करेंगे, योग दर्शन की। धन्यवाद।